आज हम आपको बताएंगे पेपर कूलिंग का पैंडल, जिसके लिए हमें लगेगा 5 mm पेपर कूलिंग स्ट्रिप, पेपर कूलिंग टूल, सीजर, पेपर कूलिंग निडल, रिंग्स चाहिए, एक चेन चाहिए हमें, फेविकोल चाहिए और पेपर कूलिंग टूल चाहिए शेप देने के लिए। 2 पेपर कूलिंग स्ट्रिप लेंगे, दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे फेविकोल की हेल्प से। इस तरह से अब हम एक कॉर्नर से हमारे निडल से इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसे निडल से निकाल लेंगे और इस तरह से दबा देंगे। दबाने के बाद हम हमारा टूल लेंगे और सबसे लास्ट वाले में इसे इस तरह से ओपन कर देंगे। इस तरह से ये हमारा शेप आ गया। शेप आने के बाद हम इसे निकाल लेंगे, इसमें से फेविकोल की हेल्प से हम इसे चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद एक सिंगल स्ट्रिप लेंगे, जो सिंगल स्ट्रिप रहेगी उसे हम हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद हम इसे इस तरह से इसकी कॉर्नर पर राउंड कर लेंगे एक बार और फेविकोल से इसका कॉर्नर पर चिपका लेंगे। राउंड करने के बाद हम इसे इससे निकाल लेंगे और फिर दोबारा फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम एक राउंड बना लेंगे। इस तरह से हम 2 तैयार कर लेंगे लीव्स को और फिर हम इसके कॉर्नर से फेविकोल लगाएंगे, दोनों को चिपका देंगे इस तरह से। ये हमारा हार्ट शेप तैयार हो जाएगा। अब हम इसे सूखने देंगे। अब हमारा जो हमने इस तरह का रिंग तैयार किया था उसमें हम हमारी ये वाली रिंग डालेंगे। इसमें हम हमारी जो चेन है उसे भी डाल देंगे और आप फोल्ड कर देंगे। Thank you.
फोल्ड कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हम इसके इस साइड पर फेविकोल लगाएंगे और हमारा जो हार्ट है उसे इस तरह से चिपका देंगे और गोंद को थोड़ी देर हम सूखने देंगे। बनने के बाद हमारा पेंडल कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़।